ये सूत्र उपदेश का नाम है अनुत्तरीय। क्या नाम है? अनुत्तरीय। अनुत्तरीय मतलब महान बनाने वाले छह कारण के बारे में बताया गया सूत्र। महान मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनाने वाले कितना कारण है? छह कारण। आप लोग साफ समझ में आता है? बेस ज्यादा है। महान बनाने वाले कितना कारण? छह कारण है। भगवान बुद्ध ने बताया पहला कारण है दर्शनानुत्तरीय। अनुत्तरीय कितना कारण है? छह है। उसमें से पहला कारण है दर्शनानुत्तरीय। क्या है? दर्शनानुत्तरीय। एकदम याद रखिए, नोट करना चाहिए। दर्शनानुत्तरीय। दर्शनानुत्तरीय मतलब देखने से महान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। दर्शन करने से, दर्शन करने से श्रेष्ठ होता है, दर्शन करने से महान बन जाता है, दर्शन करने से उत्तम बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। उसको क्या कहता है? दर्शनानुत्तरीय। भगवान बुद्ध ने बताया संसार के रहने वाले लोग बहुत प्रकार की चीजों को दर्शन करते हैं। सुंदर सुंदर बगीचा, सुंदर सुंदर गांव, पोखर, खकोलत, और कोई कोई लोग दर्शन करते हैं मंदिर, और लोग दर्शन करते हैं ताजमहल, और लोग दर्शन करते हैं म्यूजियम, और लोग दर्शन करता है शाहरुख खान को, और लोग दर्शन करता है ऐश्वर्या को, और लोग दर्शन करता है अमिताभ बच्चन को, और लोग दर्शन करता है जादूगर को। दुनिया के लोग अलग अलग प्रकार के दर्शन करते हैं ना। देवी माँ को दर्शन करते हैं लोग, लेकिन ये दर्शन से लोग श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसी प्रकार के दर्शन से आज तक कोई श्रेष्ठ नहीं बना। इंडिया में सबसे बड़ा एक मंदिर ताजमहल, दर्शन करने से कोई श्रेष्ठ बन गया है? नहीं है। और खकोलत आप लोग गए हैं ना, आप लोग महान बन गया है? नहीं। इसके बाद लोग जाते हैं और लोग विष्णुपाद जाते हैं, और लोग जाते हैं दंतपुरी उड़ीसा में, और लोग जाते हैं कहाँ है, तिरुपति बालाजी, और लोग दर्शन करते हैं कई प्रकार की मंदिर, और लोग दर्शन करते हैं सुंदर सुंदर बगीचा, आजाद पार्क इत्यादि बगीचा लोग दर्शन करता है। कोई सुंदर बगीचा दर्शन करने से आज तक कोई महान बन गया है? नहीं। कोई खूबसूरत हीरो है, खूबसूरत नहीं, कोई महान हीरो, महान मतलब लोग मानता है, सोचिए कोई आ गया ऋतिक रोशन, कोई ये आ गया अजय देवगन, इधर अगर मैदान में आ गया तो आप लोग भी जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, जाके दर्शन करेंगे, कहाँ है अजय देवगन, कहाँ है इसका बाल, अरे ये सारंग बाल है, ऐसे करके देखता है आंख मुंह कान सब खोल के, लेकिन महान बन जाता है? नहीं। राग उत्पन्न होता है, प्यार उत्पन्न होता है। कोई अगर आता है नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह जी, या तो फिर कोई और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई आ गए, तो उन लोगों को दर्शन करने के लिए भी लाइन लगा के लोग जाते हैं, लेकिन उन लोगों का दर्शन से आज तक कोई नहीं है महान बना। पुरानी भारत में लोग राजा को दर्शन करने के लिए लाइन लगा के रहते हैं, लेकिन राजा का दर्शन से भी कोई महान नहीं बना। भगवान बुद्ध ने बताया
बहुत फेमस फेमस चीज है, उसको हम लोग कहते हैं सात। क्या सात महान जगह है ना, सातवां में ताजमहल है, आश्चर्य सात चीज, सेवन वंडर्स है ना, वो दर्शन करने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग जाते हैं। पीजा का वो पिलर देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए सात है ना, वो दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाता है, और लोग जाते हैं नायगरा फॉल देखने के लिए, फॉल देखने के लिए, और लोग जाते हैं हिमालय दर्शन करने के लिए, गंगोत्री दर्शन करने के लिए, भगवान बुद्ध बताते जाते हैं लोग। लेकिन उसी दर्शन से लोग महान नहीं होता है, याद रखिए। आज तक आप लोग महान तो नहीं हो गया है, दुनिया में कोई नहीं महान होता है ऐसा दर्शन से। भगवान बुद्ध बताया कौन दर्शन करना चाहिए, उन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध की दर्शन करेगा तो, भगवान बुद्ध मतलब मूर्ति, मूर्ति नहीं, रियल भगवान बुद्ध को दर्शन करेगा तो, या तो फिर भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले सीलवान गुणवान भांते लोगों को दर्शन करेगा तो, वही है दुनिया में लोग महान बनने वाले पहला कारण, श्रेष्ठ होने वाले पहला कारण। क्यों? भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए लोग जाएगा तो खाली हाथ से आएगा नहीं, ज्ञान लेके आएगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, शांति मिल जाएगा। कोई लोग संपूर्ण रूप से दुख खत्म कर देता है, ऐसा है तो पहला कारण क्या है दर्शन करने से श्रेष्ठ होता है, भगवान बुद्ध, या तो फिर भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले सीलवान गुणवान बनते लोगों को दर्शन करने से लोग महान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं, वो पहला कारण। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का नाम ब्रह्मायु, ब्रह्मायु। ये ब्रह्मायु ब्राह्मण का उम्र 120 साल, फिर भी जिंदा है ये ब्राह्मण, पूरा वेद ऋग यजुर् श्याम पूरा वेद को याद है ये ब्राह्मण। सुना कि तथागत भगवान बुद्ध दुनिया में जन्म लिया है, ये ब्रह्मायु ब्राह्मण का मन में आ गया, हम तो पूरा भारत में फेमस है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जैसा महान व्यक्ति को हम कभी दर्शन नहीं किए, इसलिए हम उनका दर्शन करेंगे। ब्रह्मायु ब्राह्मण गया भगवान बुद्ध के पास, जाकर के भगवान बुद्ध को पहचान लिया, पहचान के नमन किया, नमन करके ब्रह्मायु ब्राह्मण प्रश्न पूछा जीवन का कल्याण के लिए, ज्ञान के बारे में भगवान बुद्ध उपदेश दे दिया, ब्रह्मायु ब्राह्मण विमुक्ति प्राप्त किया, अरहत प्राप्त किया, अनागामी हो गया ब्रह्मायु ब्राह्मण। देखिए दर्शन करने से महान हो गया ना, 120 साल तक रहा लेकिन महान नहीं बना, पूरा भारत में नंबर वन हुआ था लेकिन महान नहीं हुआ, 120 साल में मर गया था, लेकिन मरने में 2 सप्ताह पहले भगवान बुद्ध जी से मुलाकात हो गया, विमुक्ति प्राप्त किया। अगर वो ब्रह्मायु ब्राह्मण 100 साल में 105 उम्र में मर गया तो महान बन जाएगा नहीं, 120 साल तक रह पाया इसलिए महान बन गया। कैसे? भगवान बुद्ध की दर्शन किया, ज्ञान सुना। आप लोग सुने होंगे अरहत सारिपुत्त बनते जी, अरहत महामोग्गलन बनते जी, दोनों एक बाबा था बहुत फेमस भारत में, उनका नाम अजित, अजित ऋषि, बहुत ध्यान करता है। ये दोनों ब्राह्मण थे, सारिपुत्त मोग्गलन दोनों बनते जी ब्राह्मण थे, राजगीर में सबसे बड़ा अमीर, पूरा भारत में अमीर खानदान के, दोनों पंडित थे,
लेकिन इन दोनों का कोई घमंड नहीं है, हम पांडित्य से घमंड नहीं, इन दोनों को चाहता था विमुक्ति। खोज खोज के गया, अंत में अजित ऋषि मिल गया। अजित ऋषि के पास जा करके इन दोनों अजित ऋषि जी से ज्ञान सिखा सिखा सिखा, कुछ नहीं सीख गया। अंत में दोनों सोच लिया, हम दोनों जैसा भी ज्ञान नहीं, ये पूरा नाम ही ऋषि के पास छोड़ दो, हम दोनों चल जाएंगे। दोनों गया, जाते समय एक भंते जी था अस्स जी। भंते जी भोजन के लिए शहर में जा रहा था, पात्र भिक्षाटन पात्र लेके। ये लड़का देख लिया, दोनों में से एक लड़का देख लिया, एकदम शांत है ये मुनि जी, एकदम शांत है, नीचे देख के जा रहा है, बिल्कुल मुस्कुरावट है चेहरा में, बहुत कुछ होगा इनके पास। पीछे पीछे गया वो भंते जी भोजन लेकर के, रास्ता से थोड़ा हटकर एक पेड़ था जंगल में, पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ के भोजन करता है, बहुत सुंदर है, इधर उधर देखता नहीं, चबाता नहीं, आवाज नहीं आता है, खाते समय भात मिलाता नहीं, मिलाते समय खाता नहीं, फिर इधर उधर भात लगता नहीं है, भात नीचे गिरता नहीं है, ऐसे भोजन करता है। देखने के बाद बहुत प्रसन्न हो गया। देखिए दर्शनानुत्तरीय, दर्शन करने से श्रेष्ठ होता है लोग। ये लड़का प्रसन्न हो गया, लड़का ये भंते जी के पास आके पूछा, भंते जी आप बहुत शांत लग रहा है, भंते जी बताइए आप गुरु हैं क्या? भंते जी बताते नहीं, हम गुरु नहीं हैं, मेरा भी एक गुरु है। कौन है आपका गुरु? भगवान बुद्ध मेरा गुरु है। भगवान बुद्ध आपका गुरु है, क्या आपको उनका ज्ञान हमें बता सकता है? हमको उतना याद नहीं है, हम नया है, कुछ दिन पहले हम चेवर पहन लिए, लेकिन एक बात हम बता देंगे, बताए इस दुनिया में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, घर द्वार जमीन परिवार धरती भी खत्म हो जाता है, सदाकालिक कुछ भी नहीं है। ये बात बोल दिया अनित्य के बारे में। बोलने के बाद वो लड़का बहुत दिमाग वाला था, तुरंत ज्ञान पकड़ लिया, श्रेष्ठ हो गया, पाप को हटा दिया, वो भी चीवर पहन के निर्वाण को प्राप्त किया। देखिए दर्शन करने से महान बन जाता है। अभी आप लोगों को दर्शनानुत्तरीय मालूम हो गया, सब जानते हैं दर्शनानुत्तरीय मतलब दर्शन करने से श्रेष्ठ होने का कारण। आप लोग जानते हैं कौन दर्शन करना चाहिए ना, अगर सोचिए श्रद्धा या आस्था कोई चैनल में प्रवचन देने वाले रामदेव बाबा जी, या तो फिर कोई बाबा या कोई कोई ऋषि आएगा काला चक्र मैदान में, सारे लोग जाएगा, वो भी हाँ करके यज्ञ करेगा, कुछ हवन करेगा, लोग बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया है, हम लोग अच्छा हो गया, कुछ नहीं, फिर खाली हाथ से वापस घर आ जाता है, कुछ नहीं, ना कुछ ज्ञान सुना अपना जीवन को विमुक्ति पर ले जाने वाले, खाली हाथ से आ जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया दर्शन करना है तो दो लोग हैं, कौन है? तथागत भगवान बुद्ध, या तो फिर उनके रास्ता पे जाने वाले सीलवान गुणवान महासंग। चीवर पहनने से महासंग नहीं बन जाता है ना, पहला। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया दूसरा कारण है श्रवणानुत्तरीय। श्रवणानुत्तरीय क्या है? श्रवणानुत्तरीय सुनने से श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया क्या सुनने से मानव देवता श्रेष्ठ हो जाता है। लोग क्या करता है, गाना सुनते हैं और लोग कहानी सुनते हैं। जानते हो एक बात क्या है, एक राजा था, वो राजा बहुत बड़ा जंगल में था, उसी जंगल में
एक खतरनाक भूत आ गया राजा के सामने। राजा को बताया हम तुमको खाएंगे। सही में फिर क्या हो गया? फिर वो राजा डर गया, एकदम ध्यान लगा के सुन रहा है। फिर कहानी खत्म करने के बाद बस और एक कहानी बताओ ना, कुछ नहीं है सिर्फ कहानी। और लोग स्कूल जा करके टीचर का पढ़ाई सुनता है। अभी तक कोई पढ़ाई सुन के श्रेष्ठ हो गया है? कोई लोग ट्यूशन जाकर ट्यूशन टीचर का पढ़ाई सुनता है, और लोग जा करके म्यूजिकल शो में जा करके म्यूजिक सुनता है, और लोग क्या करता है म्यूजिकल शो में जाता है, या तो फिर कोई देवी माँ का देवी देवता का पूजा में जाकर या बाराती में जाके गाना सुनता है। कैसे? डीजे बजाता है, बजा के ढक 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 करके फिर नाचता है। जो चेहरा है ना जाति के अंदर है, चेहरा निकाल के दो टुकड़ा कर दिया कैसे हो जाता है, एकदम छटपट आता है ना, वो ऐसा नाचता है। ऐसा नाचते हैं लोग देवी माँ को ले जाते समय, या तो फिर बारात में। इस समय आप लोग दिखाई देता है बारात में कैसे लोग नाचता है, एकदम चेहरा बीच में काट दिया जैसा पूरा हिलता है। श्रेष्ठ हो गया कोई आज तक? अभी तक उसी प्रकार से श्रेष्ठ होगा तो बिहार के लोग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए, सबसे उत्तम होना चाहिए। क्यों? इधर के लोग बहुत नाचते हैं ना, भारत के लोग बहुत नाचते हैं बाराती में। श्रीलंका जैसा देश में नाचने में शर्म लगता है, श्रीलंका में नाचने के लिए दारू पीना पड़ता है, दारू पीने का सब भूल जाता है, जो पहना हो वो भी भूल जाता है, जैसा बात है वैसा नाचता है। सुबह उठता है लाली से, रात पता नहीं कहाँ गिर गया। सभी लोग नहीं, कोई कोई लोग, इधर ऐसा नहीं खुला, सभी लोग बिना दारू पी के भी नाचता है। लेकिन ऐसा गाना सुनने से कभी भी कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। कोई कोई लोग चर्चा सुनता है, कोई पूजा सुनता है, आज तक पूजा सुनने से कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा नहीं, कोई कोई लोग सुनता है भगवान बुद्ध ने जो बताया हुआ पवित्र ज्ञान, पवित्र ज्ञान, भगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान जो लोग सुनता है वही ज्ञान सुनने से लोग श्रेष्ठ बन जाता है। कैसे हम बता देंगे आपको। आप पहले हत्या किया हुआ होगा, हत्या करने में आपको कोई डर भय नहीं, क्यों? आपके पास सवनानुत्री नहीं था, कोई सुना नहीं कुछ, पहले आप गाली दिया होगा या मम्मी पापा को भी डांट दिया होगा, क्यों? आप श्रेष्ठ नहीं हुआ था पहले, भगवान बुद्धि ज्ञान सुना नहीं। पहले आप लोग चुगली किया हुआ होगा, चोरी किया हुआ होगा, और कितना झूठ बोल दिया होगा, गिन नहीं सकता है ना। हम भी बचपन में बोला हो झूठ, गिनेगा तो गिन नहीं सकता है, हम भी बचपन में नहीं सुना है ज्ञान। इसके बाद कभी कभी दारू पीने का मौका मिल गया तो लोग पीता है, हम लोग तो नहीं पिए लेकिन लोग पीता है। लेकिन अभी देखिए, अभी आप लोगों को किसी को हत्या करने में अच्छा लगता है? बिल्कुल खराब लगता है ना। कम से कम मुझे लगता है आप लोग को मच्छर को भी मारने में अच्छा नहीं लगता होगा, हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता, हम तो मच्छर ऐसे हटाता है, आदत आ गई, इसीलिए मच्छर पहले मच्छर बैठने का दर्द आ गया तो मच्छर काटता नहीं है, सिर्फ स्किन चमड़ी का कोई दर्द है तुरंत मार दिया फिर नोचता है। क्यों? मच्छर को मार मार के आदत आ गया था। इसके बाद ज्ञान सुन दशनानुत्री हो गया भगवान बुद्ध की, नहीं सवनानुत्तरी हो गया भगवान बुद्ध की, ज्ञान सुन लिया, श्रेष्ठ होता है सुनने से। फिर डर डर लग गया, फिर क्या होता है हाथ उठाता है लेकिन याद आता है तुरंत हाथ इसके करके हटाता है, ध्यान करते समय मच्छर का तुरंत इसके नहीं ऐसे करके हटाता है, हाथ उठ जाता है तुरंत होश में आ जाता है। बाद में कितनों भी दर्द आए ऐसे पोछता है ताकि वो उड़ जाए, हटा देते हैं। आप लोग भी अभी ऐसा है ना,
शायद। इसके बाद गाली देने में आप लोग कुछ अभी खराब लगता है ना, इसका मतलब आप लोग कैसे बदल गया। भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी सुनकर आप लोग क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अभी बताइए, भारत में रहने वाले हर एक घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भगवान बुद्ध की वाणी जरूरत है या नहीं है? हम लोग सुधर गए, उसी प्रकार पूरा भारत सुधर जाएंगे, अगर सुनेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो। बुद्धिमान लोग भी क्या हो जाता है, पापी बन जाते हैं, बदमाश लोग भी पापी बन जाते हैं, क्या करने से, भगवान बुद्ध की वाणी सुनाई नहीं दिया तो। अगर हम लोगों का आश्रम बोधगया में नहीं बन गया तो, हम लोग भी बोधगया में नहीं आया तो, आप लोग आएगा मंदिर में आकर के सिर टेका, कैसे कर सिर टेकाएगा, फिर घूमेगा, फिर जाएगा, कुछ नहीं जानता है। आप लोग भी श्रेष्ठ हो गया हम लोग का आश्रम बनने के कारण, उसी के कारण आप लोग श्रेष्ठ हो गया है। भगवान बुद्ध ने बताया, उनकी ज्ञान को सुनने से लोग श्रेष्ठ होता है, महान बन जाता है, उत्तम बन जाता है, ये दूसरा कारण। इसके बाद तीसरा कारण क्या है, भगवान बुद्ध ने बताया तीसरा कारण है लाभानुत्तरीय। तीसरा कारण क्या है, लाभानुत्तरीय। लाभानुत्तरीय मतलब पाने वाली चीजों में से श्रेष्ठ होने, श्रेष्ठ होना, मिल जाता है ना, वही पाने वाली चीजों में से क्या पाने से श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया, कोई कोई लोगों को मिल जाता है बच्चे लोग, लड़का लड़की लोग मिलने के बाद उन लोग सोचता है दुनिया में सबसे महान चीज मिल गया। क्या मिल गया, बेटा का जन्म हुआ है, पूरा दुनिया में सबसे महान चीज मिला है, बेटी का जन्म हुआ है, सबसे महान चीज मुझे मिल गया, और कोई जरूरत नहीं है। और लोग क्या करता है, इसके बाद बच्चा मिलने के बाद खुशी है, तुरंत जाता है, उसका समय देख करके भविष्यवाणी क्या है, क्या तकलीफ है, इसका ले जाता है कोई जंतर मंतर बहाने के लिए, बहान देता है, कोई कष्ट नहीं होगा। इसके बाद बाल नहीं कटाए, लड़का मिल गया तो बाल नहीं कटेगा, अगर पूजा करके मिल गया तो। इसके बाद कभी कभी नहीं, सबसे अच्छे स्कूल में डालेगा अपना बच्चा को, कि सबसे बड़ा लाभ है ना, बच्चा का जन्म है। इसके बाद अच्छा स्कूल में डालेगा, पढ़ाएगा, अंत में जो मेहनत करके अपना बच्चा पे जितना मेहनत किया उतना ही दुख मिल जाता है। कैसे, वही बच्चा बड़ा होने के बाद अपना मम्मी पापा साथ रहता है। आप लोग बताइए, आप लोगों का मम्मी पापा आप लोग का नानी नाना दादी दादा के साथ रहता है? अभी हमेशा के लिए छोड़ दिया ना, कभी कभी जाते हैं ना मिलने के लिए, है ना, लेकिन आपका दादी दादा आपका पापा को पोसने के लिए कितना मेहनत किया है, सोच लिया है आपका दादी दादा मेरा बेटा दुनिया में सबसे महान है, इसको हम बड़ा करेंगे, अच्छा आदमी बनाएंगे। आपका नानी नाना सोचा आपके बारे में, मेरा बेटी अच्छा है, इसको हम सबसे अच्छा बनाएंगे, बहुत प्यार किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, दिन रात आपका मम्मी पापा पर ध्यान दे दिया, नानी नाना दादी दादा, शादी किया, विदा हो गया, अलग हो गया। अभी मम्मी पापा को सुनाई देता है दादा दादा बीमार पड़ गया, हाँ बहुत गहरा बीमार है, नहीं नॉर्मल है, हाँ तो कुछ दवा खा के रहेगा ना,
देखने के लिए जाता तक नहीं कभी कभी। वो तो नॉर्मल बात, हर जगह का बात। कोई कोई लोग, मम्मी पापा लोग दादा दादी को पूरा गाली देता है, डांटता है, कोई कोई लोग मारता है, पीटता है। मेहनत करके उन लोग सोचा बच्चा मिला वो सबसे अच्छा लाभ है, लेकिन अंत में उसी से दुख मिल जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया ना, प्रेम तो जायति शोक, प्रेम से प्यार से शोक उत्पन्न होता है। प्रेम तो जायति भयं, प्यार से ही भय उत्पन्न होता है। प्रेम तो विपमुत्तस, अगर प्रेम से मुक्त हो गया तो नाति शोक, कोई दुख नहीं है। कुतो भयं, कहाँ से भय आएगा, कोई भय नहीं है। कोई कोई लोग सोचता है खूबसूरत लड़की मिल गया तो मुझे पूरे बोध गया, में सबसे सुंदर लड़की मिल गया, सबसे सुंदर पति नहीं मेरा पति नहीं है। लड़की सोचता है सबसे अच्छा पति मेरा पति है। उन दोनों शादी करके खूब अच्छा से मिलजुल के रहता है, फिर एक डेढ़ साल बाद चूहा बिल्ली, राम रावण, फिर युद्ध धनुष से, धनुष नहीं है ना, तलवार से, बर्तन से, इसके बाद कुल्हाड़ी से, चापड़ा से, इसके बाद कभी कभी जहाड़ से, खटोरा से, लोटा से, युद्ध, या तो फिर वाणी का शब्द से युद्ध है। और लोग मैकेनिक का काम, और लोग घर बनाना सीखता है, और लोग सीख जाता है बिजनेस करना, और लोग सीख जाता है अलग 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 चीज सीख जाते हैं दुनिया के लोग, लेकिन आज तक उसी चीज से कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ। एक प्रोफेसर था श्रीलंका में, बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत नामी, उनका कोई लेटर, एक चिट्ठी न्यूज़पेपर में आ गया तो सभी लोग पढ़ते हैं। टीवी प्रोग्राम हमेशा आते रहते प्रोफेसर का, हमारे गुरु बनते। एक दिन वो प्रोफेसर बुद्धिस्ट था, प्रोफेसर बीमार पड़ गया, बहुत गहरा बीमार आ गया। गुरु बनते जी को निमंत्रण किया प्रोफेसर को आशीर्वाद करने के लिए, गया जा करके प्रोफेसर को आशीर्वाद कराया। प्रोफेसर आशीर्वाद के बाद क्या तो पूछ रहा था अपना बच्चा से, गुरु बनते जी ने पूछा, क्या पूछा है वो प्रोफेसर जी? पूछा है कितना विकेट गिर गया है श्रीलंका का टीम का, चक्का चौका कोई मार दिया है अभी सनत जयसूर्य? क्यों, दिमाग में क्रिकेट चल रहा है। प्रोफेसर यानी पीएचडी कर चुका है, पीएचडी मतलब कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, यहाँ का पीएचडी जैसा नहीं श्रीलंका का पीएचडी, अमेरिकन लेवल में चल रहा है। कितना मेहनत करना पड़ेगा उसी जगह पे आने की। लेकिन देखिए, ये सब सीखने से कोई महान नहीं बन जाता है, याद रखिए। भगवान बुद्ध ने बताया कोई कोई लोग सीख जाता है सील सुरक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? सील सुरक्षा करने के लिए मतलब प्राणियों को हत्या नहीं करने के लिए सीखता है, चोरी नहीं करने के लिए सीखता है, व्यभिचार नहीं करने के लिए प्रयास करता है, सत्य बोलने के लिए प्रयास करता है, नशा को त्याग करने के लिए प्रयास करता है, चुगली नहीं करने के लिए प्रयास करता है, प्यार से बात करने के लिए प्रयास करता है, गुस्सा नहीं करने के लिए प्रयास करता है, लोभ लालच नहीं करने के लिए प्रयास करता है। सील है, वो सील सुरक्षा करने के लिए प्रयास करता है, वो सिखानुत्तरीय, या तो फिर समाधि बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, ध्यान करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए, मन की लोभ क्रोध मोह माया अहंकार घमंड इत्यादि गंदगी को मिटाने के लिए, मन पवित्र करने के लिए और लोग प्रयास करते, या तो फिर प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए। प्रज्ञा मतलब अनित्य समझने के लिए, ये गंदगी दुनिया में बिना आसक्त होके रहने के लिए लोग मनन करके प्रयास करते हैं, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। ये जो सीखता है ये सिखानुत्तरीय, सीखने से श्रेष्ठ बन जाता है। क्या सीखने से? वो सीख जाता है सील सुरक्षा करने के बारे में, प्रयास करना है।
ध्यान करने के लिए सीख जाता है, प्रज्ञा ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, सीख जाता है। ऐसा है तो देखिए दुनिया कहाँ पे है, कोई भी प्रयास करता है कैसा? संडे स्कूल में आने वाली 5-10 बच्चा छोड़ के बाकी एक भी नहीं है ऐसी जगह पे। अगर आप हैं तो आप बहुत खुश हो जाइए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया पंचमा कारण पारिचर्यानुत्तरीय। क्या है पारिचर्यानुत्तरीय? सेवा करने से श्रेष्ठ होने का कारण। सेवा, क्या सेवा करने से, कौन सी सेवा करने से लोग श्रेष्ठ हो जाता है? कोई कोई लोग क्या करता है, सुबह सुबह उठता है, उठकर कोई टिफिन कारी में कुछ डालता है, डाल के नौकरी करने के लिए जाता है, शाम में घर आ जाए, कभी कभी रात में थक के आता है, लेकिन श्रेष्ठ हो गया आज तक कोई? कोई कोई खेती में जाता है, खेती करते करते कभी कभी घर नहीं आ सकता है, खेती में ही सोना पड़ेगा क्योंकि उस सामान सुरक्षा करने के लिए, खेती करके थक जाता है, रात में घर आ जाता है, श्रेष्ठ होता है? नहीं, इसका मतलब खेती नहीं करना है, खेती करना है, लेकिन लोग सोचते हैं यही सबसे श्रेष्ठ है, महान बन जाते ऐसा करने से। और लोग क्या करता है, बचपन से लेकर के मेहनत करता है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, कंप्यूटर बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन उससे भी कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। इसके बाद अगर बारिश आ गया तो खेत में नहीं जाना है क्या? बारिश आ गया तब धूप रह गया, तब रात हो गया, तब सुबह रात दिन रात ठंडा गर्म बारिश कुछ नहीं काम के लिए है ना, अपना नौकरी के लिए, खेती का काम, घर का काम के लिए दिन रात का कोई समय का भेदभाव नहीं पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। लेकिन उसी सेवा से कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने बताया कोई कोई लोग जाता है आर्य संत को सेवा करने के लिए, ज्ञानी संत लोगों को सेवा करने के लिए कोई कोई लोग जाता है, यानी कि अपना काम भी करके समय मिलने के बाद संत लोगों को सेवा करने के लिए जाता है, जा करके मंदिर साफ करके बैठ के ज्ञान सुनता है, हे महान मुनिवर हम लोग को ज्ञान बताइए। एक मम्मी जी थी, वो मम्मी जी का नाम गोपिका, क्या नाम थी? गोपिका। ये गोपिका का गांव में तीन बंते जी आया ध्यान करने के लिए, तीन कुटिया मिल गया ध्यान कर रहे हैं। गोपिका माताजी देख लिया बांते लोग को, शांत लग रहा है, अच्छा लगता है। गोपिका माताजी ने क्या किया, रोज जाकर के खाना बना के देती हैं, आसपास साफ करती हैं, तुरंत दोपहर के बाद तुरंत अपना घर जाती हैं, फिर सुबह आकर के उस समय सिर्फ 10 बजे भोजन किया है, नाश्ता भी नहीं लंच भी नहीं, 10 बजे भोजन करते बस। फिर ये गोपिका माता जी आके 10 बजे भोजन बना के देती है, पूजा करके जाता है। एक दिन ये माता जी सोचा ये बांते लोग बैठ के आग बंद करके क्या करता है, शांत लग रहा है लेकिन क्या करता है उन लोग, जाएंगे आज पूछने के लिए। बांते जी आप आग बंद करके क्या करते हैं? माता जी हम लोग अनित्य मनन करते हैं और लोग मैत्री करते हैं, मन को दमन करने के लिए कोशिश करते हैं। बांते जी हम लोग भी कर सकते हैं, हम तो घर द्वार है, बाल बच्चा है, पति हैं, पैसा कमाने वाली माँ औरत थे, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं आप भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आप मैत्री करिए, अनित्य सोचिए, जो कुछ सुनता है वो अनित्य है, देखने वाले सब कुछ अनित्य है और सुनने वाले सब अनित्य है, स्वाद लेने वाले सब अनित्य, स्पर्श लेने वाले सब अनित्य, मन में आने वाले सब अनित्य, सदाकालिक कुछ भी नहीं है। ये माताजी आते जाते से मनन करता है, क्या कल खाना में क्या बनाएंगे, घर साफ किया कि नहीं, ऐसा वो तो आप लोग है ना, अभी तक आप लोग शायद सोचता होगा लेट हो रहा है, घर जल्दी गया तो कम से कम रोटी भी बना सकता है, एक बार सब्जी भी बना दिया तो अच्छा है,
ऐसा आता है, होमवर्क नहीं बना है, पता नहीं कितना बजे बांधते जी बांध करेंगे। वो अयोनिस मनस्कार है ना, मनन करना चाहिए जाते समय। भंते जी क्या ज्ञान दिया है, सब कुछ अनित्य है, सदाकालिक कुछ भी नहीं है। ये प्यार, ये बंधन, घर द्वार, परिवार सब खत्म हो जाता है, कभी ना कभी सब कुछ त्याग करना पड़ता है। ये मनन करने से आपका मन में आसक्त नहीं होता है कोई भी चीज पे, अनासक्त होता है, खुशी से आप रहेंगे। ये गोपिका माता जी वैसा मनन करते करते रह गए, बूढ़ी होगी लेकिन ये सोतापन्न हो गई, आधा ज्ञान प्राप्त। गोपिका माता जी मर गई, मरने के बाद देवलोक में गोपक नाम का देवराज बन गया, लड़का देवराज बन गया, नाम क्या था, गोपक। देवताओं आता है नाचने के लिए, क्यों, देवता बड़ा बड़ा देवताओं को खुशी कराता है ना, देवता आकर के गांधर्व देवता आकर के नाचते थे। गोपक देवता देख ले तीनों का चेहरा याद है हमको, तुम तीनों याद है, तुम तीनों कौन है, हमको याद है तुम तीनों। बताया हे महान देवता, हम लोग उस कुटिया में तीन बांते जी थे। छी बांते जी थे, शर्म नहीं लगता है, यहाँ के नाचता है, संत बन के मेहनत करना चाहिए। मन की क्रोध मोह माया अहंकार घमंड लोभ राग मिटाने के लिए शर्म लगता है तुम लोग के चाहते। देखो तुम लोगों का बात सुन के मैं प्रयास करके ज्ञान प्राप्त कर दिया, अभी हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना है, अभी मेरा मन में राग उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, शर्म नहीं लगता है तुमको, मेरा खाना खा के क्या सोच के रह गया। दो देवताओं को एकदम शर्म आ गया, दम शर्म आ गया, उन दोनों तुरंत ध्यान बैठ गया, अनागामी हो गया, तुरंत चन हो गया, देवलोक से ब्रह्मलोक में जन्म लिया, उधर से निर्वाण प्राप्त किया है। बाकी देवता ना ना ये मजा आता है, नाचना अच्छा लगता है, मेरा वॉइस भी अच्छा है, गाना अच्छा लगता है, ऐसा करके वो नाचे नाचे रह गए। देखिए पारिचर्यानुत्तरीय सेवा करने से कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ होता है, संत लोगों की सेवा। संत मतलब सभी संत नहीं, जो विमुक्ति के लिए मेहनत करता है, राग क्रोध मोह अहंकार घमंड इत्यादि गंदगी को मिटाने के लिए मेहनत करता है, ऐसा संत की सेवा करने से लोग श्रेष्ठ होता है, गोपिका माता जी जैसा। अंतिम है अनुस्सतानुत्तरीय, अंतिम वाला क्या है, अनुस्सतानुत्तरीय क्या है, अनुस्सता क्या है, अनुस्सतानुत्तरीय। भगवान बुद्ध ने बताया मनन करने वाले चीजों में से क्या मनन करने से सर्वश्रेष्ठ होता है, उन्होंने बताया कोई कोई लोग मनन करता है अपना बच्चों के बारे, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ाई करता है, मेरा बेटा तो मैं मानव भारती में ट्रेन में पढ़ाई करता है, हमारा परिवार में इतना धन है, हम लोग का क्या कमी है, हम सोच रहे वो खेत भी लेने के लिए, वो एक आदमी है बहुत परेशान करता है, एक केस भी कर दिया है हम लोग के प्रति, हम जाएंगे कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ये सब फालतू चीज लोग मनन करते रहता है। और लोग मनन करता है मेरा बेटी का शादी कैसे कैसे हम करेंगे, उधार लेके करना पड़ेगा, वो उसी घर का लोग अच्छा से किया, उससे अच्छा हम करना चाहिए, तब ना उन लोग को पता चलेगा हम अपना बेटी को कितना प्यार करते हैं। बेटा का शादी उससे भी अच्छा से करना चाहिए, 3 लाख कम से कम 5 लाख रुपया मांगना चाहिए, बेटा को अच्छा से पढ़ाया, ये सब मनन करते रहते हैं नॉर्मल लोग। भगवान बुद्ध ने बताया क्या मनन करना चाहिए, उन्होंने बताया मनन करना चाहिए, मनन करना है तो तथागत भगवान बुद्ध के बारे में मनन करने से लोग श्रेष्ठ होता है, या तो फिर भगवान बुद्ध ने जो बताया गया पवित्र धर्म उस ज्ञान के बारे में मनन करने से लोग श्रेष्ठ होता है, या तो फिर भगवान बुद्ध के श्रावक महासंघ के बारे में मनन करने से श्रेष्ठ होता है। महासंघ मतलब अरहंत महाकाश्यप, अरहंत सारिपुत्र, मालूम है ना उन लोग कैसा है,
वहाँ कश्यप बंत जी एक गुफा में था, उस गुफा से उतर के नीचे आते समय एक भिखारी कानक आ रहा था, अंगुल गिर रहा है ना उस कानक आते से, एक बीमार है। कानक आते समय ये बंत जी भिखारी के सामने खड़ा हो गया, ये किया कि हाथ से लेकर के खाना दे दिया, खून पीप के साथ एक अंगुल भी पात्र में गिर गया कानक के साथ, एकदम फर्स्ट क्लास का खाना खाते बनते लोग नहीं, भिखारी लोग फर्स्ट क्लास का खाना खाते हैं नहीं, नॉर्मल खाना। ये बनते पेड़ के पास बैठ के अंगुली हटा के खा लिया। उन लोगों के बारे में मनन करने से हम लोग श्रेष्ठ हो जाता है, इधर उधर चीवर पहन के दारू पी के जाने वाले लोग के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी नहीं, वो अरहंत महासंघ के बारे में मनन करने से श्रेष्ठ होता है। मनन करना है तो क्या मनन करना चाहिए, शादी शुदा के बारे में, परिवार के धन संपत्ति के बारे में नहीं, मनन करना है तो भगवान बुद्ध के बारे में मनन करना है, धर्म के बारे में या तो फिर महासंघ के बारे में। वो है अनुसतानुत्तरीय। अभी हम आपको सारे बात बता दिया है। पहला क्या है, दर्शनानुत्तरीय, दर्शन करने से किन का दर्शन करने से श्रेष्ठ होता है, भगवान बुद्ध या उनके रास्ता के रहने वाले शिष्य लोग। इसके बाद क्या है, समानानुत्तरीय मतलब सुनने से, क्या सुनने श्रेष्ठ होता है, ज्ञान सुनने से श्रेष्ठ होता है। इसके बाद क्या बताया, लाभानुत्तरीय, क्या पाने से श्रेष्ठ होता है, बच्चों को पाने से, श्रद्धा को पाने से, श्रद्धा लाभ, श्रद्धा लाभ सबसे बड़ा लाभ है, धन लाभ से ज्यादा श्रद्धा लाभ महान है। इसके बाद चौथा क्या है, सिखानुत्तरीय, क्या सीखने से महान हो जाता है, शील सुरक्षा करने के बारे में, समाधि ध्यान करने के बारे में, प्रज्ञा के बारे में, धर्म की रास्ता पे प्रयास करने के बारे में। इसके बाद पंचमा पारिचर्यानुत्तरीय, यानी कि सेवा करने, क्या सेवा करने से, संत को, भगवान बुद्ध को या तो फिर उनकी शिष्य सबको नहीं है, जो विमुक्ति के लिए मेहनत करता है वो लोगों, बाकी लोगों को सेवा करने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सोच के करना पड़ेगा, आजकल मिलेगा नहीं है ना ऐसा। इसके बाद अंतिम क्या है, अनुसतानुत्तरीय, यानी कि मनन करने से, क्या मनन करने श्रेष्ठ होता है, भगवान बुद्ध के बारे में या उनका ज्ञान के बारे में या तो फिर महासंघ के बारे में। इसलिए आप लोगों को आज बहुत सुंदर ज्ञान है ना, देखिए आप लोग इधर आने के कारण मिल गया ना, बताइए ऐसा ज्ञान भारत में 120 करोड़ है उनमें से किसको मिल जाता है, कम से कम बुद्धिस्ट लोगों को भी नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग खुश हो जाइए, हम लोग आप लोग समय बिताया, फल तो बीत गया है, एक मिनट भी फालतू नहीं है, महत्वपूर्ण समय आप लोग बिताए हैं, बहुत खुशी हो जाए। तो आप सभी लोगों को इसी प्रकार श्रेष्ठ होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु।